नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज जनता कर्फ्यू डे है, हम आपको बताने वाले हैं जम्मू कश्मीर के सीन, कैसे दुकान को बंद किए हुए हैं लोगों, हमारे कैमरामैन जी रोंडर मारी इस जगह का। जैसे कि आप देख सक रहे हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल द्वारा आप देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पर पूरा दुकानें बंद है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। इससे कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। यहाँ हम वीडियो बनाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, सभी लोग अपने घर में हैं, इससे कोरोना से बचा जा सकता है। और इसके टिप्स बताते हैं कैसे कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। जब मोबाइल में बात करते हैं तो ईयरफोन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम यहाँ ऐसे बात करते हैं तो हमारे मोबाइल का थ्रू होता है, जैसे कि हम ऐसे बात करते हैं किसी को तो इस पे स्क्रीन पर थूक चढ़ जाता है, इससे जैसे हमारे थूक सलाइवा होता है, इससे कोरोना फैल सकता है। इसीलिए ना इसको बार बार धो, इसको मतलब कपड़े से धोएं, या पहने इसको कपड़े से रुमाल से धोएं, किसी हैंकी से, या तो ईयरफोन लगाकर इसमें वो करें इससे, क्योंकि थूक ईयरफोन में आएगा, इसमें नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है, हम कहीं जा रहे हैं तो आने के बाद पहले हाथ को अच्छी तरह धो लें, उसके बाद हम भोजन करें, या तो अपने नाक मुंह को छूने छूने के बाद, ऐसे करने के बाद साबुन से धोएं, डिटॉल से धोएं, या किसी सोप से हमारा हाथ को अच्छी तरह धोएं और भोजन करें, क्योंकि इससे मतलब कोरोना वायरस चले जाता है। दूसरा यह चीज़ कि लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि आसपास की जैसे हम बात करते हैं तो उसका थूक और इसका थूक मतलब इसे फैलता है, इससे बीमारी फैलता है, इसी ही कोरोना वायरस हो सकता है। और जानकारी के लिए कृपया थोड़ा यहाँ के माहौल को देखिए, फिर आपको दूसरी बार फिर से वीडियो बताएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर पूरा जम्मू कश्मीर बंद है, यहाँ जनता कर्फ्यू डे है। आपको आगे की ओर ले चलते हैं। नोवल का कोरोना वायरस को रोका जा सकता है, खांसते या छींकते समय रुमाल को ऐसे ढक कर रखें और लोगों के भीड़ में ना जाएं। किसी को सांस लेने या बुखार है तो उसे 1 मीटर दूरी बनाकर रखें, और जैसे सांस लेने से ज़्यादा ही तकलीफ़ है तो कृपया चिकित्सालय में जाकर इलाज कराएं, या उस जैसे मरीजों जैसे कि खांसी है उसको, तो उसको किसी दूसरे बर्तन में खाना दें और उसको तुरंत ही मांज दें, धो दें और उसको एक साइड में रख दें। अगर किसी भी पीड़ित बीमार को जैसे ये कोरोना वायरस का हो तो कृपया इसे हमें बताएं, एक फ़ोन नंबर है इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप कृपया करके इस टिप्स को फॉलो करें और थोड़ा वीडियो बताते हैं आपको।